नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो चलिए बात करते हैं लोकायुक्त पुलिस की एक और बड़ी सफलता की। जी हां, लोकायुक्त पुलिस रीवा की टीम ने पुलिस चौकी में बेखौफ रिश्वत दे रहे पुलिस आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ा है। जी हां, पुलिस गई तो दो आरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी, लेकिन आरक्षक मौका देखकर लोकायुक्त टीम को चकमा देकर भाग गया। आयुक्त की कार्यवाही के बाद एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने दोनों आरक्षकों के साथ टीआई को भी निलंबित कर दिया है। पुलिस ने रिश्वतखोर आरक्षक अनूप यादव को गिरफ्तार करते हुए जब हाथ धुलवाए तो उसके हाथ गुलाबी हो गए। उपायुक्त उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह ने बताया कि अनूप यादव, संजीत यादव दोनों गढ़वा थाने के आरक्षक पद में पदस्थ थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। उधर रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने आरक्षक अनूप यादव के अलावा उनके साथी संजीत यादव और गढ़वा थाना टीआई आरपी रावत को निलंबित कर दिया है। तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया पर।